अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आबाद होंगे। तो आज आपकी बहन एक और मज़ेदार टोटके के साथ हाजिर हुई है। तो टिप नंबर वन ये है कि अक्सर जो हम अपने साबुनदानी किचन और वॉशरूम वगैरह में जो रख रहे होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर साबुन रखते हैं, तो वो साबुन अक्सर साबुनदानी में मेल्ट हो जाता है, पूरा चिपक जाता है, उसको वॉश करना भी फिर साबुनदानी को मुश्किल हो जाता है और साबुनदानी गंदी गंदी भी लग रही होती है। उसके अलावा साबुन अच्छा खासा वेस्ट भी होता है पानी लगने की वजह से। तो उसके लिए बेहतरीन टोटका ये है कि आपने अपनी साबुनदानी लेनी है, उसके ऊपर ठीक है आपने रबर फिक्स कर देना है, ठीक है, आप मिकदार देख लो, 3 फिक्स कर दो, 4 फिक्स कर दो, जितना आपका साबुन है ना उस हिसाब से थोड़े थोड़े फासले पे आपने ऐसे रबर लगा देना है, ठीक है। रबर लगाने के बाद आप इसके ऊपर साबुन रखोगे तो यकीन माने कि रबर लगाने के बाद आप जब इसके ऊपर साबुन लगोगे तो साबुन हिला लो, कुछ भी कर दो, वो गिरेगा नहीं, ना ही साबुन गंदा होगा, ना साबुनदानी गंदी होगी और ना ही आपका जो है ना पानी की वजह से एक्स्ट्रा साबुन मेल्ट होगा। तो है ना मज़ेदार टोटका। अगर टिप अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 ये है कि घर में जो खाली रैपर होता है, साबुन का रैपर होता है, ठीक है, जो हम अक्सर फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, कचरा समझ के उसको फेंक देते हैं, तो इससे हम बहुत मज़ेदार कमाल की चीज़ बना सकते हैं। तो आज के बाद इस टिप को सुनने के बाद आप अपने घर का खाली रैपर जो है वो कभी नहीं फेंकेंगे। तो आपने साबुन की जो है वो खाली रैपर के अंदर ना टेलकम पाउडर होता है ना, कोई सा भी जो आपके घर में मौजूद है, वो टेलकम पाउडर आपने जो है वो लगा डाल देना है, ठीक है, अच्छा खासा आपने उसके अंदर भर दिया, मतलब थोड़ा सा उसके अंदर भर दिया। उसके बाद भरने के बाद जो है आप क्या करोगे कि ना इसमें थोड़ा सा जो है ना खाने का मीठा सोडा डाल दोगे। मीठा सोडा डालने के बाद जो है आप इसको जो है अच्छे से फोल्ड कर दोगे। फोल्ड करने के बाद बल्कि आप इस पर सुराख करोगे छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे सुराख करने के बाद जो है आप इसको जो है फोल्ड कर दोगे और अपनी अनमारी कैबिनेट कहीं भी आप इसको रखो और यकीन करो एक अच्छी सी आपको हीक देगा, अनमारी के अंदर अच्छी सी खुशबू आएगी, स्मेल आएगी और जो मतलब कपड़ों की जो वो स्मेल वगैरह होती है वो नहीं आएगी, कोई कीड़ा वगैरह कपड़ों में अनमारी में नहीं लगेगा और आसान ईजी टोटका है। जो हम फिनाइल की गोलियाँ रखते हैं उससे तो बेटर है कि आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा और घर के अंदर ये चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल होती है। टिप अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो टिप नंबर 3 हमारा ये है कि हम लोग अक्सर जो है ना परेशान होते हैं घर के अंदर जो चूहे आ जाते हैं ग्रीलों से या गेट के दरवाज़ों से या बहुत जगहों से जो है ना छोटे छोटे चूहे आ जाते हैं और हम उससे जो है बेजार हुए हुए तो उसको क्या है कि आपके घर में चूहे ना आए तो आप उसके लिए बेहतरीन टोटका ये है कि आपने टमाटर एक काट लेना छोटे छोटे साइज़ के अंदर, उसके अंदर एक चम्मच भर के जो है वो काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च जो है वो आपने डाल देनी है, ठीक है, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है टमाटर को, ठीक है, और उसके बाद वो काली मिर्च वाले जो है टमाटर जो है ना आपने वहाँ रख देने रात में सोते वक्त जहाँ जहाँ से चूहे आते हैं, ठीक है ना, जिस जगह से आपको लगे कि यार चूहे आते हो, जिस जगह पर अगर हो सकता है कि घर के अंदर आ गए तो चूहे को जहाँ पर आपको लगता है कि यार यहाँ से गुजर रहे तो वहाँ रख दो। तो यकीन करें अगर चूहे इसको खा लेंगे तो वो उसी वक्त मर जाएंगे या फिर इसकी खुशबू से खुद ही दरवाजे से बाहर भाग जाएंगे। बहुत अफेक्टेड टोटका है, ज़रूर अपनाएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी टोटका अच्छा लगा और आपको बहुत फ़र्क आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, ज़रूर बताएगा, ठीक है। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। तो आजकल बारबेक्यू का सीज़न है और बारबेक्यू के सीज़न में जो है ना हर कोई बोटियाँ बना रहे तो सबसे नरम और आपकी बोटी हलवे जैसी हो जाए और बहुत मज़ेदार अच्छे से गल जाए तो उसके लिए बेहतरीन टोटका ये कि जब आप बोटियाँ सेक रहे हो तो इस तरह चम्मच की मदद से हल्का हल्का घी जो है ना वो बोटी में आप लगाओ तो उससे ये होता है कि आपकी बोटी जो है वो नरम नरम उतरती है और मज़ेदार लगती है। टिप मेरी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहन फिर कल फिर हाजिर होगी नए टोटकों के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।